नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जहां हम आपको कराएंगे द्वारका के प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिर के दर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुजरात का द्वारका शहर वो स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरि गृह था, वहाँ आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसीलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में ये एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के चारों धाम में से एक है। यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है। देवभूमि के रूप में जाने जाना वाला द्वारका एकमात्र ऐसा शहर है। मंदिर का परिवर्तन स्वरूप 16 सदी में प्राप्त हुआ। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा चार धामों में से एक है। ये सात पुरियों में से एक पुरी है। जिले का नाम द्वारकापुरी से रखा गया, जिसकी रचना 1113 में की गई थी। ये नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। ये श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। द्वारका भारत के सात सबसे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारका के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की थी। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित हुए। लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये वो नगरी अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। कृष्ण मथुरा में को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने की राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य में भी कम नहीं। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और कभी कभी दो तीर्थ यात्रा चार धाम के स्थलों में से एक है। 72 स्तंभों द्वारा समर्पित 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निजा मंदिर के रूप में जाना जाता है। पुरातत्व के संबंधी निष्कर्ष बता और पुरी शामिल है। आज भी मंदिर के भीतर एक स्मारक उनकी यात्रा में समर्पित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। द्वारका में स्थित नागेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये गुजरात के सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारा और बैद द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित है। कभी कभी नागनाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें नागेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, वो सभी विषों सांपों के काटने और सांस्कारिक आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। अन्य नागेश्वर मंदिरों के विपरीत यहाँ की मूर्ति और लिंग दक्षिण की ओर है। नागेश्वर मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण भगवान की शिव 80 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। मंदिर अपने आप में विशिष्ट हिंदू वास्तुकला की विशेषता है। नागेश्वर शिवलिंग पत्थर से बना है, जिसे द्वारका शिला के नाम से जाना जाता है, जिस पर छोटे चक्र होते हैं। ये तीन मुखी रुद्राक्ष के आकार का होता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व इस तथ्य से उपजा है कि इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों पर बनाया गया मंदिर मानव शरीर के सायरण मुद्रा पर बनाया गया है। महाशिवरात्रि के त्योहार पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के भव्य उत्सव मनाया जाता है, जो दुनिया भर में भक्तों के झुंड को आकर्षित करता है। रुक्मणी मंदिर। अलग होने की एक प्राचीन कथा। रुक्मणी देवी मंदिर द्वारका शहर केंद्र से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। 12वीं सदी के इस अवशेष ने अपनी भित्ति नकाशी और अन्य संरचनाओं के माध्यम से उस समय कुछ स्पष्ट वास्तुशिल्प चमत्कार किए। इस मंदिर के पीछे हिंदू पौराणिक कहानी की शुरुआत रुक्मणी देवी और उनके पति भगवान कृष्ण से होती है, जो ऋषि दुर्वेश को रात में खाने के लिए उठाती है।
रास्ते में रुक्मणी देवी अपने पति की मदद से गंगा में अपनी प्यास बुझाने के लिए रुकी। क्रोधी स्वभाव की जाने जाने वाली दुर्वेशा मुनि ने जब उन्हें पानी नहीं दिया तो वो काफी क्रोधित हो गई। इस प्रकार उन्होंने रुक्मणी देवी को भगवान कृष्ण से अलग होने के लिए बुलाया, इसीलिए उनका मंदिर बाहरी इलाके में स्थित है जबकि कृष्ण का मंदिर द्वारका शहर के भीतर है। गीता मंदिर। गीता द्वारका में लाइट हाउस और भद्रकेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित है। इसमें भगवान कृष्ण की मूर्तियां हैं। 1970 में बिड़ला के उद्योगपति परिवार द्वारा निर्मित द्वारका में गीता मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक शानदार और व्याकारी संरचना मंदिर हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक भगवान गीता की शिक्षकों और मूल्यों को पकड़ने और संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। भातकेश्वर महादेव मंदिर। भातकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लगभग 5000 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर है जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयं शंभू शिवलिंग के आसपास बनाया गया था। मंदिर हर साल मानसून दौरान समुद्र में डूब जाता है, जिसे भक्त प्राकृतिक द्वारा अभिषेकम की धार्मिक प्रक्रिया को करने का तरीका मानते हैं। शेष वर्ष के लिए मंदिर का अक्सर दिव्य खिंचाव और आकर्षण की प्राकृतिक सुंदरता के लिए दौरा किया जाता है। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन मंदिर द्वारका के बिल्कुल किनारों पर निर्मित परम आनंद और उत्साह का एक शिव मंदिर है। द्वारका के चरम पश्चिम अरब सागर में एक पहाड़ी पर स्थित भद्रकेश्वर महादेव मंदिर गीता मंदिर और रुक्मणी मंदिर के काफी करीब है। भद्रकेश्वर महादेव मंदिर की अलौकिक सुंदरता का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द हैं। किनारे से पहाड़ी तक जाने के लिए एक अच्छी तरह से निर्मित पथ और सीधे मंदिर की ओर जाने वाले सीढ़िया के साथ भद्रकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँचना शायद ही कभी एक मुद्दा है। गायत्री शक्तिपीठ। 1983 में श्री गायत्री शक्तिपीठ द्वारका में गायत्री माता एकमात्र मंदिर है। धार्मिक तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक धर्मशाला भी जुड़ी है। भक्त यहां मां गायत्री की पूजा के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और मंदिर धाम यात्रा के दौरान गायत्री परिवार के लिए एक बहुत ही खास सभा स्थल है। मंदिर में स्थापना दिवस पर साल में कम से कम एक बार अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। शक्तिपीठ हिंदुओं के तीर्थ के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थल हिंदुओं के लिए एक पौराणिक महत्व रखते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया और महिला शक्ति से भगवान शिव के पूरे ब्रह्मांड और महिला शक्ति के निर्माण में उनकी मदद करने के लिए कहा और पूरे ब्रह्मांड को बनाने में उनकी मदद की। लेकिन क्योंकि भगवान ब्रह्मा का पांचवा सिर उनके झूठ के कारण भगवान शिव के श्राप से काट दिया गया था। दक्ष जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे भगवान शिव से नफरत करते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सती की शादी उनसे हो। लेकिन महिला सती ने भगवान शिव को देखा और गिर गई, उसके साथ प्यार किया और परिणाम स्वरूप उसे शादी कर ली। गोपी तालाब। ये द्वारका के 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नागेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है जिसे गोपी तालाब कहा जाता है और ये स्थान भी द्वारका के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। गोपी तालाब या गोपी झील, इसका हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व है, इसीलिए इसे माना जाता है कि एक दिव्य स्थान है जहाँ सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी आखिरी रासलीला का प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्होंने गोपी तालाब में भगवान श्री कृष्ण के साथ एकजुट होकर शरद पूर्णिमा की रात में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मान्यता के अनुसार वो सभी गोपी पीली रेत में बदल गई थी, जो कि लोकप्रिय रूप से अभी गोपी चंदन के रूप में जाने जाते हैं। रणछोड़ जी मंदिर। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ले करते हैं, तब ये मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में कितने ही छोटे मोटे मंदिर पड़ते हैं। कृष्ण जी, गोमती माता और महालक्ष्मी के मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मंदिर है। भगवान कृष्ण को उधर रणछोड़ जी कहते हैं। सामने ही कृष्ण भगवान की 4 फुट
ऊंची मूर्ति है। ये चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है। हीरे मोती इसमें चमचमाते हैं। सोने की 11 मालाएं गले पड़ी, कीमती पीले वस्त्र पहने हैं। भगवान के 4 हाथ हैं, एक में शंख है, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में गदा और एक में कमल का फूल। सिर पर सोने का मुकुट है। लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं और उन पर फूल और तुलसी ढल चढ़ाते हैं। चौखटों पर चांदी के पत्थर मढ़े हैं। मंदिर की छत में बढ़िया बढ़िया कीमती झाड़ फानूस लटक रहे हैं। एक तरफ ऊपर की मम्मे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। पहली मंजिल में अम्बा देवी की मूर्ति है। ऐसी 7 मंजिलें हैं और कुल मिलाकर ये मंदिर 140 फुट ऊंचा है। इसकी चोटी आसमान से बातें करती है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये नई वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।